गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर सिक्स का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर लीवरेज लीवरेज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड्स लिमिटेड, कंपनी का नाम है, कैलकुलेट करना हम लोग को ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। तो थ्री लीवरेज होता है, ऑपरेटिंग, फिनेंशियल, कंबाइंड। तीनों लीवरेज कैलकुलेट करना है, लेकिन याद रहे सिचुएशन ए एंड बी, दो सिचुएशन होगा और तीन प्लान है। देखिए प्लान वन, प्लान टू एंड प्लान थ्री। प्लान वन में दो बार ए बी, तो प्लान टू में दो बार ए बी एंड प्लान थ्री में भी दो बार ए बी, दैट इज सिक्स हो जाएगा। ओके, प्रोडक्शन एंड सेल देखिए 1000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया। 1000 यूनिट 20 से इंटू करेंगे 20,000, 15,000, 5,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ए के सिचुएशन में 3,000 फिक्स्ड कॉस्ट, अब बी के सिचुएशन में 4,000। तो दो कॉलम रखेंगे, एक कॉलम ए के लिए, एक कॉलम बी के लिए। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, तीन प्लान है, वन टू एंड थ्री। फर्स्ट प्लान में कैपिटल देखिए 7 3 10, 3,000 रुपया का डेब्ट है, 10%, 300 इंटरेस्ट। यहाँ देखिए 5 5 10, 5,000 का डेब्ट है, 500 इंटरेस्ट। यहाँ देखिए 3 7 10, 7,000 का डेट है, 700 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा डेब्ट पर होता है, परसेंटेज दिया हुआ है 10। तो 300, 500 और 700, प्लान वन में 300, प्लान टू में जाएंगे तो 500 और प्लान थ्री में जाएंगे तो 700। तो यहाँ से हमको पहला नंबर इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जहाँ से तीन लिवरेज निकालेंगे। इसके अलावा पूछा है इंडिकेट विच ऑफ द एबव प्लान इज मोस्ट रिस्कियर, लिस्ट रिस्कियर, जिसका फिनेंशियल लिवरेज हाई आएगा, जहाँ फिनेंशियल लिवरेज सबसे ज़्यादा आएगा वो मोस्ट रिस्कियर होगा, और जहाँ कम आएगा वो लिस्ट रिस्की होगा। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने इनकम स्टेटमेंट कॉलमनर फॉर्म में। ये देखिए प्लान वन में ए बी दो सिचुएशन है, प्लान टू में ए बी, प्लान थ्री में ए बी, सिचुएशन ए बी को कॉलम बना दिए। सबसे पहले सेल्स 1000 यूनिट है, 20 रुपया का सेलिंग प्राइस है, तो सेल्स आपका 20,000, सिक्स कॉलम है, सब में 20,000। ओके, सभी कॉलम में 20,000। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट है, 15 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो 15,000, 1000 × 15, 15,000 सभी में, तो सेल्स लिखे 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट आपका 15,000। क्लियर, अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ माइनस होगा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का बात है सिचुएशन ए में, अच्छा इसको माइनस करते हैं, 5,000 सभी में 5,000 ही आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट ए में 3,000 है और सिचुएशन बी में 4,000, ए में 3,000 है, बी में 4,000, ए में 3,000 है, बी में 4,000। फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद रिजल्ट आएगा ई बी आई टी, यहाँ आया आपका 2,000, 1,000।
2000 1000 2000 1000। ओके, तो आप चाहो तो फिक्स कॉस्ट देख सकते हो। देखो आप सिचुएशन ए में फिक्स कॉस्ट 3000, बी में 4000। अब प्लान वन को देखो, प्लान वन में डेप्ट आपका 3000 है, 3000 का आपको 10% 300, बगल में 500, उसके बगल में 700। प्लान वन में इंटरेस्ट आपका 300 लेंगे, टू में 500 और थ्री में 700। ओके, तो यहां पर माइनस होगा इंटरेस्ट। प्लान वन में 300, ये दोनों प्लान वन है, प्लान टू में 500, प्लान थ्री में 700। अब इसको क्लोज कर देंगे, ये हो गया आपका ईबीटी 1700 1700 500 1300 300। ओके, ये आ गया ईबीटी। तो सबसे पहले सेल्स 1000 × 20 20000, वेरिएबल कॉस्ट 1000 × 15 15000, कंट्रीब्यूशन आया 5000, फिक्स कॉस्ट 3 4 3 4 3 4, ए में 3 बी में 4, इंटरेस्ट प्लान वन में 300 300, प्लान टू में 500 500, प्लान थ्री में 700 700। ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। अब यहां पर एक नंबर आपको कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। आप यहां देखो कंट्रीब्यूशन है, यहां देखो ईबीआईटी है, ये हो गया 2.5, यहां देखोगे आएगा आपका 5, यहां देखोगे आपका 2.5, इधर 5, 2.5, यहां आपका 5। ओके, कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड कर दिए, हम लोग का ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। दो नंबर, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज DFL, इसका फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। यहां देखो ईबीआईटी और ये देखो ईबीटी, दैट इज 2000 / 1700 1.18। यहां देखो 1000 / 700 1.43, 2000 / 1500 1.33, 1000 / 500 2, 2000 / 1300 1.54, 1000 / 300 3.33। ओके, और एक लीवरेज कैलकुलेट करते हैं, नंबर थ्री, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, दैट इज DCL, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फिनेंशियल लीवरेज, इस दोनों का आपस में इनटू हो जाएगा 2.5 इनटू 1.18, रिजल्ट इज 2.95, ये होगा 5 × 1.43, रिजल्ट इज 7.15, 2.5 × 1.33, 3.33, ये हो जाएगा आपका 10, 2.5 × 1.54, 3.85, ये हो जाएगा 3.33 × 5,
16.65. ओके, तो इनकम स्टेटमेंट बना दिए एवरी प्लांट सिचुएशन के हिसाब से, ऑपरेटिंग फिनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर दिए। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। ओके, अब यहां पूछा है कि आपका मोस्ट रिस्की और लीस्ट रिस्की सिचुएशन कौन सा है। अगर रिस्की बताना है तो आपको फिनेंशियल लिवरेज को ध्यान देना होगा। ये देखिए फिनेंशियल लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज यहां देखो आप हाईएस्ट है लास्ट कॉलम, दैट इज प्लान थ्री सिचुएशन बी, प्लान थ्री डीएफएल 3.33 इज हाईएस्ट एट प्लान थ्री सिचुएशन बी, इट इज मोस्ट रिस्की सिचुएशन। ओके, तो फिनेंशियल लिवरेज आप देखो यहां पे हाईएस्ट था तो ये मोस्ट रिस्की हो गया। इसके अलावा आप देखो यहां पे लोवेस्ट है, जहां लोवेस्ट हो जाएगा वो लेस रिस्की हो जाएगा, प्लान वन सिचुएशन ए, प्लान वन सिचुएशन ए डीएफएल 1.18 इच लोवेस्ट एट प्लान वन सिचुएशन ए, इट इज लेस रिस्की। ओके, तो ये बताना पड़ गया कि कौन सा हाई रिस्क जोन है और कहाँ लो रिस्क है। तो जहां फिनेंशियल प्लान हाई आता है वो हाई रिस्की होता है और जहां लो आता है वो लो रिस्की होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। लीवरेज के साथ आपको रिस्क सिचुएशन भी बता दिए, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।